वालेकुम, मैं शेफ रिजवान और उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जी ये होल फिश लेके आए हैं, तो इसके फिले निकाल के ना तो हम क्रम फ्राइड फिश बनाने जा रहे हैं इससे। तो आपको दिखाते हैं कि ये बनता कैसे है, उसकी कटिंग कैसे होती है। अच्छा जी, ये आ गई जी हमारी सिल्वर फिश। तो इसको ना जी हम इधर एक कट मारेंगे। दूसरी साइड से भी इस तरह काट मार दूंगा। अच्छा जी, ये इसकी आ गई जी हड्डी। इसके साथ साथ ना जी छुरी को हमने लेके जाना है। अच्छा जी, इसको ना जी हम हड्डी के साथ साथ इस काट मारेंगे। जी तो ये हमारा आ गया जी फिश का फिला। तो इसकी अभी हम कटिंग करेंगे, इसको सेंटर से ना दो पीस करने। अच्छा जी, ये ना इसकी स्किन उतर गई है जी। तो अभी ना इसकी हम फिंगर कटिंग वो काट लेंगे जी इस तरह की। ये हमारी आ गई जी फिंगर कटिंग। जी तो अभी ना जी हम क्रम फ्राइड फिश का ना बैटर बनाते हैं। तो उसके लिए हम ये लेंगे जी मैदा, तकरीबन 2 चम्मच मैदा आ गया जी। तो अभी इसमें ना 1 चम्मच आ गया जी कॉर्नफ्लोर। नमक डालेंगे जी हसबे जायका, क्रश ब्लैक पेपर 1 चम्मच, वाइट पेपर आ गया जी 1/2 चम्मच, और लहसुन पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच आ गया जी अदरक का जो पाउडर है। अच्छा जी, 2-1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जी मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा जी, इसमें ना 1/2 कप इसमें डालेंगे जी हम सिरका विनीगर, और अभी हम डालेंगे जी इसमें फ्रेश लेमन। ये आ गया जी लेमन। अच्छा जी, इसको निचोड़ेंगे। इसी तरह ये दूसरे स्लाइस के ना जी बीज निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसमें ना अभी एक अदद ना अंडा डालेंगे हम, इसको मिक्स करेंगे।
जी, तो इसमें ना जी थोड़ा सा सिरका हम और डालेंगे ताकि ना जी बैटर हमारा ना थोड़ा उसको पतला बना लें। तो ये बैटर हो गया जी तैयार, इसको ना जी ये फिश पे डाल रहा तो मिक्स कर लेंगे जी। ये मिक्स हो गया जी, थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको क्रम लगा के ना जी फ्राई कर लेंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं जी क्रम फ्राइड फिश, और उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं जी टाटो सॉस। तो उसके लिए ना जी ये पहले एक कप ना हम लेंगे जी मेयोनीज। अच्छा जी, उसके लिए ना जी हमने ये ड्रिल पे कर लिया है, तो इसको हम ना चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, ये डिल पिकल ना जी हमारा चॉप हो गया, इसको हम डाल लेंगे जी मेयोनीज में। ये आ गई जी हमारी जलेपिनो, इनको भी हम करेंगे जी चॉप। जी तो ये जलेबीन हमारी होगी जी चॉप, इसको भी हम ये मेयोनीज में डालेंगे। अच्छा जी, इसके लिए ना एक लेमन, हम इसमें ना लेमन का जूस डालेंगे। इसके बीज निकाल लेंगे। जी तो ये टाटो सॉस हो गई जी हमारी तैयार। तो ये फ्राइड फिश के साथ ना बड़ी मज़ा करती है, तो इसमें ना जी पार्सले भी आप डाल सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए नहीं डाले, लेकिन इसमें पार्सले ना उसका फ्लेवर वो बड़ा मज़ा करता है जी। तो ये आग ना जी हमने लगा दी है, तो इसके ऊपर हम ये कढ़ाई पे ना ऑयल रखेंगे। जी तो ये हमने जी दो टाइप का ना जी क्रम लिया है, एक तो ये वाइट ब्रेड का आ गया और ये ब्राउन का, साथ में इसमें हल्स और अभी मिक्स है, इसका ज़रा ना फ्लेवर जो है ना वो बड़ा मज़ा करता है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो फिंगर फिश है ना जी, ये हम क्रम में डालेंगे। अच्छा जी, इसको ना जी मिक्स करेंगे ताकि इसमें सही क्रम लग सके। जो जो फिश को क्रम लग गया ना जी, उसको हम ये प्लेट में निकाल लेंगे ताकि बाकी फिश को भी ना क्रम लगा सके। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया जी, अभी ना हम इसमें डालेंगे फिश। ये इसको ना अभी मिक्स करेंगे, तो ये जिस टाइम कड़क हो गए ना जी, फिर इसको निकाल लेंगे।
जी तो ये ना जी फिश हमारी हो गई है जी, तो जी इसको ना निकाल लेंगे। ये तो बाकी जो फिश है ना जी वो भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। अच्छा जी ये फिश हो गई है जी हमारी, तो इसको भी हम निकाल लेंगे अभी। जी तो ये हमारी ना जी क्रम फ्राइड फिश हो गई जी तैयार, ये साथ है जी टमाटर सॉस। उम्मीद है जी कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो और रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।